तो राष्ट्रपति जेलेंस्की का ये आरोप है कि पुतिन खेरसोन इलाके से यूक्रेन की सेना को पीछे धकेलने के मकसद से खाकोवका डैम के चारों तरफ लैंड माइंस और बारूद बिछवा रहे हैं, और अगर राष्ट्रपति पुतिन का ये प्लान कामयाब हो गया तो खेरसोन में जल प्रलय की सुनामी आ जाएगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का आरोप है कि रूस ने नीपर नदी पर बने काखोवका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया है, और राष्ट्रपति पुतिन का यह प्लान इतना खतरनाक है कि यह पूरे खेरसोन इलाके में महातबाही की सुनामी ला सकता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का आरोप है कि पुतिन खेरसोन के इलाके से यूक्रेन की सेना को पीछे धकेलने के मकसद से काखोवका डैम के चारों तरफ लैंड माइंस और बारूद बिछवा रहे हैं, और अगर राष्ट्रपति पुतिन का यह प्लान कामयाब हो गया तो खेरसोन में जल प्रलय की सुनामी आ जाएगी। Росія свідомо створює підґрунтя для масштабної катастрофи на півдні України. Ми маємо інформацію, що російські терористи замінували дамбу і агрегати Каховської гідроелектростанції. Це один з великих енергооб'єктів. Дамба цієї ГЕС утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води. І якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то у зоні швидкого затоплення опиняться більше 80 населених пунктів, включно з Херсоном. आइए अब आपको इस सैटेलाइट मैप के जरिए और ग्राफिक्स के जरिए ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर खेरसोन के काखोवका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। काखोवका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट खेरसोन का छठा सबसे बड़ा प्लांट है। इसमें 350 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इस पर बना बांध 30 मीटर ऊंचा और करीब 3.5 किलोमीटर लंबा है। इसके बांध में 18 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी है। बांध का पानी दक्षिण यूक्रेन के पानी की आपूर्ति का सबसे बड़ा जरिया है। काखोवका पावर प्लांट से पूरे दक्षिण यूक्रेन को बिजली सप्लाई की जाती है। अगर डैम टूटा तो खेरसोन में बाढ़ आ जाएगी। सैलाब की वजह से हजारों लोग मारे जाएंगे। खेरसोन के 80 गांव और शहर जलमग्न हो जाएंगे। नॉर्थ क्रीमियन नहर बर्बाद हो जाएगी। दक्षिण यूक्रेन में पीने के पानी और बिजली की समस्या खड़ी हो जाएगी। इतना ही नहीं, ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट के कूलिंग सिस्टम की वाटर सप्लाई रुक जाएगी। इसकी वजह से यूक्रेन में ऊर्जा संकट और भी गहरा जाएगा। Російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження. Вода для ЗАЕС береться саме із Каховського водосховища. І навіть робота каналу, який побудований для постачання води в Крим, і про який періодично нібито печуться в Москві, буде повністю зруйнована. Ось це справжнє ставлення Росії до нашого українського Криму. А загалом руйнівні екологічні, гуманітарні, техногенні наслідки одного цього російського теракту можуть стати такими, що його називатимуть історичною. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के आरोप पर रूस का कहना है कि यूक्रेन खुद इस काखोवका पावर प्लांट पर हमले कर रहा है। तो जंग के बीच रूस ने यूक्रेन पर गंभीर आरोप लगाए। रूस का कहना है कि यूक्रेन अपनी साजिश के तहत रूस को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है
तो वहीं ज़ेलेंस्की का आरोप है कि खेरसोन की लड़ाई में पिछड़ने की वजह से रूस बौखला गया है और यही वजह है कि रूस की सेना ने खाकोव का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बांध की दीवारों पर विस्फोटक लगा दिए और अब वो उनमें विस्फोट करने का बहाना ढूंढ रही है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन की फौज बांध पर रॉकेट और मिसाइल हमले कर उसे नष्ट करने की कोशिश कर रही है और अपनी साजिश के तहत रूस को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। रूस का यह भी आरोप है कि यूक्रेन की फौज ने खेरसोन की एंटोनियस्की ब्रिज पर मिसाइल हमले के जरिए उसे तबाह करने की भी कोशिश की और जब यूक्रेन ने इस ब्रिज पर हमला किया तो उस वक्त वहां पर कई पत्रकार और रूस के न्यूज चैनल के कई टीवी क्रू मौजूद थे। दरअसल इस ब्रिज के जरिए रूस की सेना नीपर नदी के दोनों छोर पर अपने सैन्य दस्तों तक रसद और हथियार सप्लाई करती है। रूस का यह भी आरोप है कि यूक्रेन के इस हमले का मकसद रूसी पत्रकारों को निशाना बनाना था। नीपर नदी पर बने इस पुल पर हुए हमले में 4 पत्रकार मारे गए और 13 लोग घायल हो गए। Вчера в 22:40 20 октября был нанесен удар по Антоновскому мосту. Скорее всего, били целенаправленно по журналистам, потому что погибший Олег Клоков, это режиссер телеканала «Таврия», 8 человек телеканала ВТВ, которые находились в этот момент. Руслан Воскресенский находится в тяжелом состоянии, это оператор телерадиокомпании «Таврия». И Константин Мочар, он сейчас тоже находится непосредственно в больнице, тоже ранен. Также ранена Влада, 16-летняя журналистка нашего телеканала «Таврия». यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस के नेतृत्व ने यूक्रेन के एनर्जी सिस्टम को जंग के मैदान में तब्दील कर दिया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक अगर रूसी सेना डैम को ध्वस्त करने में कामयाब हो गई तो खेरसोन में तबाही मच जाएगी। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों से यूक्रेन के 30% पावर स्टेशन तबाह हो गए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का यह भी आरोप है कि खेरसोन की लड़ाई में पिछड़ने की वजह से रूस बौखला गया है और यही वजह है कि अब राष्ट्रपति पुतिन के फरमान के बाद रूस की सेना ने काखो का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बांध की दीवारों पर विस्फोटक लगा दिए हैं और अब वो उनमें विस्फोट करने के बहाने ढूंढ रही है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन से यह गुहार लगाई है कि वो राष्ट्रपति पुतिन पर इस बात का दबाव डालें कि काखोका बांध को नष्ट ना करें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान के साथ साथ खेरसोन में विनाश की एक ऐसी सुनामी आएगी जिसकी तबाही को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। ज़ेलेंस्की के कदम जिन हथियारों के दम पर आगे बढ़ रहे हैं अब उनकी कालाबाजारी हो रही है, ये चौंकाने वाली खबर रूस ने दी है। रूस ने यूक्रेन पर अमेरिका और यूरोपीय देशों से आए हथियारों को बेचने का संगीन इल्जाम लगाया। क्या है ज़ेलेंस्की के इस धोखे का सच, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए।
Заряжте танк! आग बरसाती मिसाइल। दहलाते ग्रेनेड। एंटी टैंक मिसाइल। दुनिया का ऐसा कौन सा खौफनाक हथियार है जो रूस यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल ना हुआ हो? एक से बढ़कर एक तकनीक, एक से बढ़कर एक हथियार और उनकी ऐसी मार कि दुश्मन पानी तक ना मांगे। एक तरफ रूस अपने हथियारों के दम पर मैदान में है तो दूसरी तरफ यूक्रेन की मदद के लिए नेटो और कई दूसरे देश खड़े हैं। यूक्रेन को इन समर्थक देशों से इतनी बड़ी मात्रा में हथियार मिले हैं कि वो अभी तक इस जंग में घुटने टेकने को तैयार नहीं है। युद्ध शुरू होने से पहले कमजोर दिखाई दे रहे यूक्रेन को मित्र देशों से मिले इन हथियारों का ही ये कमाल है कि यूक्रेन रूस के सामने घबराने की बजाय उसका मुकाबला करने की हिम्मत दिखा पा रहा है। लेकिन अब यूक्रेन को मिलने वाले यही हथियार सवालों के घेरे में है। सवाल भी ऐसे जिसने अमेरिका जैसे उन देशों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं जो खुद को आतंकवाद का सबसे बड़ा दुश्मन बताता है। सवाल उन देशों पर भी खड़े हो रहे हैं जो रूस को आतंकी मुल्क कहकर यूक्रेन के साथ युद्ध में मदद देने के लिए तो जुड़ गए हैं, लेकिन उनकी दी हुई मदद का असल में हो क्या रहा है इसका उन्हें इल्म भी नहीं है। इंटरपोल और यूरोपोल जैसी एजेंसियों ने युद्ध और हथियारों से जुड़े जिस डर को अब से कुछ महीनों पहले सामने रख दिया था, अब रूस उसी डर को आंकड़ों के साथ सामने लेकर आया है। ये डर है हथियारों की ब्लैक मार्केटिंग। जी हाँ, वही हथियार जिन्हें अमेरिका की सरपरस्ती में नेटो समेत कई यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को मदद के तौर पर दिए हैं। लेकिन अब इल्जाम उन्हीं हथियारों की ब्लैक मार्केटिंग का है। रूस के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह इल्जाम लगाया है कि यूक्रेन की मदद के लिए नेटो और दूसरे मित्र देशों ने जो हथियार यूक्रेन भेजे थे उनका इस्तेमाल अब आतंकी कर रहे हैं। यानी यूक्रेन इन हथियारों को ऐसे खूंखार आतंकी संगठनों को बेच रहा है जिन्होंने दुनिया के दूसरे हिस्सों में बर्बरता और आतंकवाद का साम्राज्य कायम कर रखा है। रूस के विदेश विभाग की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने कहा है कि नेटो के मिलिट्री कार्गो मिडिल ईस्ट, सेंट्रल अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में आतंकवादियों, चरमपंथियों और अपराधियों के काम आ रहे हैं। Вы не просто являетесь соучастниками преступлений киевского режима, вы являетесь ровно теми, о ком
говорите регулярно в принимаемых каких-то декларациях и заявлениях. Вы являетесь спонсорами террористической деятельности, которая проходит под эгидой киевского режима и непосредственно при участии НАТО и как альянса, и как отдельных его членов, во главе чего стоят Соединенные Штаты Америки. रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने से लेकर अभी तक नेटो देशों ने बड़ी मात्रा में यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए हैं। इनमें राइफल, मिसाइल, टैंक, ग्रेनेड्स, बख्तरबंद गाड़ियां, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम और गोला बारूद सब कुछ शामिल है। रूसी विदेश विभाग के आंकड़ों की माने तो नेटो देशों ने अभी तक यूक्रेन को जो हथियार सप्लाई किए हैं उनमें शामिल है 300 टैंक, 130 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, 400 एपीसी टैंक, 450 यूनिट हथियारबंद गाड़ियां, 700 आर्टिलरी सिस्टम, 5000 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, 80000 एंटी टैंक रॉकेट सिस्टम और ग्रेनेड लॉन्चर, 1,60,000 छोटे हथियार, 90 मिलियन राउंड गोला बारूद।